टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में आपको बताया था सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट के आधार पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली चार प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जो इंटेग्यूमेंट है यदि एक है दो है, इसमें आपको बताया था यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, एक अध्यावरणीय, दो अध्यावरणीय, ट्राइटेगमिक, त्रि अध्यावरणीय और लास्ट में था अटैगमिक, जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता हो, एक भी अध्यावरण नहीं हो, एक भी इंटेग्यूमेंट नहीं होती है, ऐसे ओव्यूल को कहते हैं अटैगमिक। यूनिटैगमिक आपको बताया था जो नॉर्मली गैमोपेटलस फैमिली के अंदर मिलता है यूनिटैगमिक प्रकार का, और बाइटैगमिक इज अ कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल बाइटैगमिक होता है, नॉर्मली पॉलीपैटली और मोनोकॉट प्लांट के अंदर मिलता है। ट्राइटैगमिक के अंदर एक अतिरिक्त इंटेग्यूमेंट पाया जाता है जो वाइल्ड अनियन के अंदर, एस्पोडिलस में बताया था, लीची के अंदर जिसमें एडिबल पार्ट होता है एरिल, उनमें मिलता है, और अटैगमिक नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक जो पैरासिटिक फैमिली है उनके अंदर मिलता है। दूसरा क्राइटेरिया है ओव्यूल्स के टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोपाइल, कैलाजा और फ्यूनिकल। इसमें होता है कि बीजांड व्रंथ पर फ्यूनिकल पर किस स्थिति में जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, उसके बेसिस पर ओव्यूल्स हम बताएं छह प्रकार के होते हैं, छह टाइप के। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल के अंदर जो ये सबसे, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो तीन पार्ट होते हैं, इसमें माइक्रोपाइल, कैलाजा एंड फ्यूनिकल, इसका ओरिएंटेशन हम देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियरली अरेंज होते हैं, या आप कह सकते हैं इसलिए स्ट्रेट ओव्यूल कहलाता है। सीधो तीन जो पार्ट है तीनों का ओरिएंटेशन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, सीधी रेखा में स्थित होते हैं, इसलिए इसको हम स्ट्रेट ओव्यूल या फिर ऑर्थोट्रोपस या ऋजु बीजांड नॉर्मली कहा जाता है। ये फैमिली एग्जांपल आप दे सकते हैं पाइपरेसी फैमिली के अंदर ऑर्थोट्रोपस प्रकार का मिलता है। बाकी मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एक सिंगल टाइप, यही ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल ही पाया जाता है। पाइपरेसी फैमिली हो गई, पॉलीगोनेसी फैमिली हो गई जिसमें के अंदर भी ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, बाकी जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलते ही है। सेकेंड जो ओव्यूल है इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने पहले आपको बताया था, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, प्रतीक बीजांड इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीजांड का है वो बीजांड व्रंथ के एक पार्श्व भाग में तेजी से वृद्धि होने के कारण जो ओव्यूल है वो वक्रित हो जाता है, इस वजह से ये इन्वर्टेड हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकल हो गया, ये इसका माइक्रोपाइल, दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं कर्व होने के कारण। 82% फैमिलीज के अंदर एंजियोस्पर्म की 82% फैमिली में इस एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल ही पाया जाता है, और सबसे ज्यादा ये गैमोपेटली और मोनोकॉट के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल मिलता है। तीसरा हम बात करते हैं हेमी एनाट्रोपस, अर्थ प्रतीक बीजांड। इस प्रकार के जो ओव्यूल है उसमें क्या होता है, जो सीधा प्रिमिटिव फैमिलीज के अंदर मिलता है, ये कौन सी है, रैनेनकुलेसी कुल के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, जिसमें पेपेवर भी आता है। इसमें बीजांड व्रंथ जो है के समकोण पर स्थित होता है, तथा बीजांड द्वार भी हाइलम के समकोण पर स्थित होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए, इसमें जो इसका फ्यूनिकल है वो इस बीजांड व्रंथ के समकोण पर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर इसमें पाया जाता है, तो इसको आप कह सकते हैं 90 डिग्री पर ये कर्व्ड हो जाता है।
प्रकार के आधा कर्म होता है, इसलिए हम इसको अर्ध प्रतिबीजांड या फिर हेमी एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल कहते हैं। फोर्थ टाइप है कंपाइलोट्रोपस, फोर्थ टाइप है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, इसमें जो इसको हम वक्र बीजांड कहते हैं, ये एक अनुप्रस्थ बीजांड भी का ही प्रकार है, लेकिन इसके अंदर जो ओव्यूल का मेन पार्ट है, बॉडी है, वो ओव्यूल बॉडी तो कवर हो जाती है, ये आप देख रहे हैं जो इनर पार्ट है ओव्यूल का, ये वक्रित हो जाता है, बट एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट, सीधा रहता है, कर्व नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार के ओव्यूल को हम कहते हैं वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये मिलता है इन फैमिली ब्रैसिकेसी और फैमिली फैबेसी के अंदर। तो कंपाइलोट्रोपस में अंदर क्या है, एक तरह से अनुप्रस्थ प्रकार का ही है, जिसको हम वक्र बीजांड कहते हैं, जिसमें ओव्यूल बॉडी तो कर्व हो जाती है लेकिन एम्ब्रियो सैक इसके अंदर कर्व नहीं होता है। पांचवा है नेक्स्ट एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल के अंदर बोथ ओव्यूल बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक इज कर्व, दोनों ही मुड़ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी बॉडी भी कर्व हो गई और इसके अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है ये भी इसके अंदर कर्व हो जाता है। इस प्रकार के ओव्यूल को हम कहते हैं अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें जो कर्व है वो ज्यादा होता है, वक्रता अधिक होती है और जो बीजांड काय है एम्ब्रियो सैक के साथ जो न्यूसिलस है और एम्ब्रियो सैक दोनों ही ये घोड़े की नाल के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का ओव्यूल मिलता है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पेपेवरेसी फैमिली के अंदर मिलता है, लैमनेसी फैमिली के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, एम्फीट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। लास्ट है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है जिसको हम कहते हैं कुंडलित प्रकार का, इस ओव्यूल की विशेषता ये है कि इसमें क्या है, स्टार्टिंग में तो ये इनिशियली ये ऑर्थोट्रोपस होता है, देख रहे हैं आप बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन बाद में जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इनिशियल स्टेज में तो सीधा बीजांड होता है, लेकिन बाद में ये कर्व्ड होकर एनाट्रोपस की तरह दिखाई देता है, प्रतीक बीजांड की तरह है स्थिति में आ जाता है, और उसके बाद और भी अधिक कर्व होने के कारण इसका जो बीजांड द्वार है वो फिर से स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है माइक्रोपाइल, और इसमें 360 डिग्री पर ये कर्व हो जाता है, कर्व हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कुंडलित बीजांड। इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में ये ऑर्थोट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस के बाद में और कर्व होता है तो ये एनाट्रोपस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एक और कर्व डेवलप होता है, एक बार और मुड़ता है तो फिर ये कर्व होने के पश्चात ये कुंडलित बीजांड के रूप में 360 डिग्री पर ये कर्व हो जाता है। इस प्रकार का बीजांड कहलाता है सर्सिनोट्रोपस, और ये मिलता है प्लम्बेजिनेसी के अंदर। प्लम्बेजिनेसी फैमिली के अंदर मिलता है, कैक्टेसी फैमिली के अंदर मिलता है, के अंदर नाकफनी ओपनशिया के अंदर भी इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप में आप कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ सिंगल ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, और कुछ प्लांट्स जो मैक्सिमम फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की, जिनमें सबसे कॉमन प्रकार का ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, प्रतीक बीजांड पाया जाता है, और बाकी जो कुछ बाकी रिमेनिंग जो फैमिली है उनमें बाकी प्रकार के जो शेष टाइप्स हैं ओव्यूल्स के वो अन्य एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर
पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के आधार पर हम कह सकते हैं कि चार प्रकार के ओव्यूल बनते हैं और इनके ओरिएंटेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि छह प्रकार के ओव्यूल एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं।